हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। तो चलिए आज मैं आपको एमएस वर्ड में वाटर मार्क के बारे में बताऊंगा कि आप वाटर मार्क का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाटर मार्क कमांड है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा पेज लेआउट वाले पे, तो ये देखिए जैसे वाटर मार्क पर क्लिक करूँगा वैसा ही वाटर मार्क यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया। अगर मैं ऐसा वाटर मार्क चाहता हूँ तो देखिए ऐसा हो जाएगा एकदम सीधे सीधे। अगर मैं ऐसे वाटर मार्क चाहता हूँ डू नॉट कॉपी का, तो देखिए ऐसा हो गया। तो इस तरह से हम वाटर मार्क लगा सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क पर जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। आज थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ ज़्यादा ही स्लो। अब नो वाटर मार्क से वाटर मार्क हट जाएगा, लेकिन पिक्चर वाटर मार्क पर मैं क्लिक करके सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। और मैं जिस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए अभिषेक शर्मा, मैंने ये पिक्चर मैंने वाटर मार्क के लिए बनाया था, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज थोड़ा टाइम लग रहा है। सिलेक्ट होने के बाद इंसर्ट कराएंगे और जब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभिषेक शर्मा ये वाटर मार्क आ गया। देखिए आ गया ना। अगर इसके जगह मुझे लिखा हुआ चाहिए और वो भी मेरे अकॉर्डिंग, तो टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ए से एफ की जगह मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट अभिषेक शर्मा। और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो लिखावट है वो चेंज कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। और जब आप ओके करेंगे तो वैसा ही देखिए लिखा हुआ आ जाएगा, ये सेप लिखा हुआ आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। क्लिक करा कस्टम में और टेक्स्ट पे यहाँ मैंने दोबारा टाइप कर दिया अभिषेक शर्मा और ओके करके देखते हैं। देखिए प्रिंट हो गया ना अभिषेक शर्मा। देखिए अच्छा, अगर मैं कलर के साथ पेज मतलब प्रिंट करना चाहता हूँ तो कलर का सिलेक्शन करा, ये कर दिया मैंने और उसके बाद ओके कर दिया। देखिए कलर के साथ हो जाएगा। और नहीं चाहते तो रिमूव ऑप्शन है ही भी बाहर, देखिए यहाँ से रिमूव कर लीजिए। तो ये था वाटर मार्क कमांड। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।